सबसे पहले आप नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जो फन का प्लांट है, बोस्टन फन है, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ दो या तीन प्लांट में। दोस्तों, ये मैंने नर्सरी से ऐसे ही लेके आया था, काफ़ी टाइम हो गया, ये काफ़ी ओवरपोटिंग हो रहा है, तो इसको मुझे दो या तीन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक ये मिट्टी का पॉट ले लिया है जिसमें मैं इसको एक इसका पार्ट में डालने वाला हूँ। इसके अंदर इसमें मैं थोड़ा सा कोकोपीट यूज़ करूँगा, मिट्टी में यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं टेरेस पर अपने रखता हूँ जितने भी मैं अपने पॉट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेट मेरे टेरेस पे पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम वेट पड़े, तो इसीलिए कोकोपीट में यूज़ करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी लाइट वेट सोइल होता है। दोस्तों, ये मेरा पॉट रेडी है, अब मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूँ पॉट से। इसको थोड़ा टेप करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा रूट बॉल से। मैं ये जो हैंगिंग की इसकी जो ये है, इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इजीली बाहर आ गया है, काफ़ी ओवरशूटिंग हो रहा था इसके अंदर। अब मैं इसको दो में डिवाइड कर देता हूँ छुरी से काट के। दोस्तों, ये दो में डिवाइड मैंने कर दिया है इसको। अब मैं एक को वापस इसी पॉट में लगा दूंगा जिसमें ये ऑलरेडी था। वैसे मैं चाहता था उसके चार प्लांट भी बन सकते थे, लेकिन ठीक है, मुझे दो में ही मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे भी पॉट नहीं है ज़्यादा बनाने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा कोकोपीट डाल के, और ये थोड़ा सा साइडों से आप कोकोपीट डालना होगा। थोड़ा सा इसको हम साइडों से और डाल देंगे। थोड़ा सा टैप कर लेंगे इसको ताकि मिट्टी कोकोपीट ठीक से इसमें एडजस्ट हो सके, या कोकोपीट ना बने। ये तो हमारा तैयार हो गया एक पॉट। ठीक से टैप कर लीजिए। चलिए, ये हो गया है। अब ये दूसरा वाला इसको तैयार करना है। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने पहले वाले में डाला था, वैसे ही इसमें डाल के साइडों से मिट्टी डाल देंगे। अच्छे से मिट्टी डालिए। एक गिला
ये मैंने इसको ठीक तरह से पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया है साइडों से, और मैं इसको अच्छे से टैप कर लूँगा। अब जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है सब डाल दे रहा हूँ। दोस्तों ये भी तैयार हो गया हमारा पॉट, अब इसमें टाइम है पानी देने का। तो पहली बार में जितना भी हम पानी देंगे फुल पानी देंगे ताकि नीचे से ड्रेन हो जाए एक बारी। जैसे भी मिट्टी के गमले में पानी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, मिट्टी का जो पॉट होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ओवर वाटरिंग की। ये मेरा प्लास्टिक का है, इसमें ही मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए पानी नीचे से ड्रेन हो चुका है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।